राजनांदगांव में डॉक्टर अभिलाषा पाणिग्रही के नेतृत्व में एक महिला का जटिल ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर्स ने वेरियन एक्ट टाफी प्रेगनेंसी का ये कठिन ऑपरेशन कर मरीज की जान बचाई। कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, और ये बात सच भी साबित होती है। ऐसा एक मामला राजनांदगांव से सामने आया। वनांचल क्षेत्र से एक महिला काफी गंभीर परिस्थितियों में अस्पताल लाई गई। तब वहां पर उपस्थित डॉक्टर अभिलाषा पाणिग्रही के सतर्क निगरानी में उक्त महिला पेशेंट का चेकअप कराया गया। उस समय महिला की स्थिति काफी बिगड़ी हुई थी, पल्स रेट भी ना के बराबर था, काफी ब्लीडिंग हो चुकी थी। जब डॉक्टरों की टीम ने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो पता चला कि महिला का गर्भ बच्चेदानी में ना होकर अंडेदानी में फंसा हुआ था, जिसे वेरियन एक्स टाफी प्रेगनेंसी कहते हैं। ऐसे केस बहुत कम आते हैं। इसके बाद तत्काल मरीज का जटिल ऑपरेशन करके उसे बचाया गया। उक्त सफल ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर प्रियंक ठाकुर, डॉक्टर सिद्धार्थ बैनर्जी शामिल थे। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शुक्ला मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल पर, जहाँ पर डॉक्टर अभिलाषा जी हैं, जिन्होंने हाल ही में एक जटिल ऑपरेशन जो है अपने डॉक्टरों की प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम के साथ उन्होंने किया है। तो कितना जटिल था, और चिकित्सा विज्ञान के लिए ऐसे केसेस कितनी बार आते रहते हैं, इस तरीके से जो जानकारी आइए जानते हैं मैडम से। जी मैम, हमारे अस्पताल में कुछ दिनों पहले एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति में मरीज को लाया गया था। जब मरीज हमारे पास आई तो वो बोलने की भी स्थिति में नहीं थी, और प्रारंभिक जांच के दौरान पाया गया कि मरीज का बीपी भी रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, सिर्फ मरीज की पल्स चल रही थी। फिर डिटेल्स एग्जामिनेशन के दौरान पता चला कि उसको बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी थी और पेट में पूरा ब्लड भरा हुआ था। फिर हम लोगों ने उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया, और हम लोगों ने तुरंत ब्लड की व्यवस्था की क्योंकि उसके शरीर में ब्लड बहुत ही कम था। फिर जब हम लोगों ने उसको ऑपरेशन के लिए लिया तो जो मरीज़ का गर्भ है वो बच्चेदानी में ना होकर अंडदानी में फंसा हुआ था, जिसे ओवेरियन एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से जाना जाता है। और ऐसे केसेस जो हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के और भी केसेस होते हैं, लेकिन जो गर्भ है वो जनरली फेलोपियन ट्यूब में रुकता है, लेकिन इसका गर्भ जो है वो ओवरी में फंसा हुआ था, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा उसको ब्लीडिंग थी। हम लोगों ने मरीज़ को बहुत देर तक ऑपरेशन किया और सारा जो ब्लड था उसका पेट का निकाला। और इस दौरान हमारे साथ में निक्षेपण विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियांक ठाकुर थे, सर्जन सिद्धार्थ बैनर्जी थे, और हम लोगों ने सब ने मिलकर बहुत अच्छे से उसका ऑपरेशन किया, और मरीज़ जो है वो फिर उसकी स्थिति को ठीक किया हम लोगों ने। और इस दौरान पूरी शुक्ला हॉस्पिटल की टीम हमारे साथ में थी, और मरीज़ के परिजनों का भी पूरा योगदान रहा, और मरीज़ अब अच्छे से डिस्चार्ज होकर घर जा चुकी है। कितना डिफिकल्ट था मैडम ये जो ऑपरेशन, और कितना देर का, कितना समय लगा आपको? कम से कम हम लोगों को ऑपरेशन में 1 घंटे का समय लगा, क्योंकि जो जो गर्भ था उसका वो अंडदानी में था, और फटके उसको बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो चुकी थी। ऑपरेशन के दौरान हम लोगों ने उसको 2 ब्लड पुश किए, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि उसके वाइटल्स नॉर्मल आने में काफ़ी टाइम लग रहे थे, और पूरे ऑपरेशन में हम लोगों को कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। ये तो थे डॉक्टर अभिलाषा जी, इनका कहना है कि ऐसे केसेस काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, लेकिन प्रशिक्षित डॉक्टरों की टीम के साथ पूरे आत्मविश्वास साथ उन्होंने इस ऑपरेशन को जो है सक्सेस किया। विद कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ टी एन आई न्यूज हेमंत वर्मा, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।